2012 के कठोर परिदृश्य में अमेरिका के आर्थिक पतन ने देश को अराजकता में डाल दिया। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती अपराध दर जेल प्रणाली को अपनी सीमा में धकेल देती है। सुधारात्मक सुविधाओं को नियंत्रित करने वाली निजी कंपनियां एक गंभीर युग की शुरुआत करती हैं, जो कुख्यात टर्मिनल द्वीप जेल का प्रतीक है। क्रूर पिंजरे की लड़ाई का सीधा प्रसारण एक परपीड़क तमाशा बन जाता है, लेकिन ये वीभत्स घटनाएं भी दर्शकों की अधिक हिंसा की लालसा को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। रक्तपात की इस प्यास से कुख्यात डेथ रेस उभरती है, एक घातक प्रतियोगिता जहां कैदी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं और उनकी कारें विनाश के हथियारों में बदल जाती हैं। जैसे जैसे वर्तमान डेथ रेस अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, क्रूर प्रतियोगिता में केवल दो कारें बची रहती हैं। एक रहस्यमय फ्रैंकस्टीन से संबंधित है, जिसने नेविगेटर केस के साथ भागीदारी की है। दूसरा फ्रैंक के लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी मशीन गन जो द्वारा संचालित है। दोनों कारें फिनिश लाइन की ओर बढ़ती हैं, उनके ड्राइवर जीतने के लिए दृढ़ होते हैं। एक अप्रत्याशित गड़बड़ी फ्रैंक के हथियारों को अक्षम कर देती है, जिससे उसे चतुर रणनीति पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने लाभ के लिए अपनी कार की ढाल का उपयोग करते हुए वह एक संक्षिप्त बढ़त हासिल करता है, लेकिन जो हारने के लिए तैयार नहीं है। मामला आसन खतरे को महसूस करते हुए आसन आपदा से बचने की कोशिश करता है। तनाव बढ़ने और दाम बढ़ने के साथ वह खुद को कार से बाहर निकालती है, जिससे फ्रैंक को जो कि विस्फोटक प्रयास के साथ फिनिश लाइन को पार करने की अनुमति मिलती है। दौड़ जीती जाती है, लेकिन भारी कीमत पर। इस अराजकता के बीच हम जेनसन एम्स से मिलते हैं, जो एक पूर्व दोषी से औद्योगिक कर्मचारी बन गया था। जैसे ही वह स्टील मिल के आसन बंद होने से जूझता है जहां वह काम करता है, जेनसन अपने सहकर्मियों के उत्पीड़न और दंगा विरोधी पुलिस की क्रूरता का गवाह बनता है। उनके व्यवहार से नाराज होकर वह अपने सहयोगियों का बचाव करने के लिए मैदान में शामिल हो जाता है, जिससे उसे हिंसक टकराव का सामना करना पड़ता है। अपनी पत्नी और बच्चे के घर लौटने पर जेनसन की दुनिया चकनाचूर हो जाती है, जब एक नकाबपोश घुसपैठिया अपनी पत्नी के जीवन का दावा करता है, जिससे वह उसकी हत्या के लिए बलि का बकरा बन जाता है। 6 महीने बाद जेनसन का जीवन और भी गहरा मोड़ लेता है, क्योंकि उसे टर्मिनल आइलैंड जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो क्रूरता और हिंसा से शासित क्षेत्र है। गार्ड उलरिच परपीड़क अधिकार को मूर्त रूप देते हुए जेनसन के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ठंड के पानी, शारीरिक हमलों और नुकसान पहुंचाने के लिए उत्सुक कैदियों से भरी एक कोठरी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। जेनसन हालांकि अपने कैदियों को रोककर और अपने प्रभुत्व का दावा करके अपनी क्षमता साबित करता है। जेल के चौ हॉल में जेनसन की उपस्थिति किसी का ध्यान नहीं जाती है। निहारने वाली आँखें उस पर टिकी हैं, कोच, गनर और सूचियाँ। सूची एक समय के महान चालक को पहचानती है, जो अब एक पतित सितारा है जिसने अपने करियर को ध्वस्त कर दिया। एक टकराव तब भड़कता है जब पैचेंको और उनके सहयोगी जेनसन को ताना मारते हैं। उनका अपमान एक हिंसक संघर्ष में बदल जाता है। अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं, जेनसन को दुर्जेय वार्डन क्लेयर हेनेसी के पास ले जाते हैं। हेनेसी जेनसन के अतीत से अच्छी तरह वाकिफ है, हताशा से प्रेरित एक प्रस्ताव का खुलासा करता है। वो फ्रैंकेनस्टीन की विरासत को पुनर्जीवित करना चाहती है, जो एक प्रतिष्ठित रेसर है जो ऑपरेटिंग टेबल पर अपने अंत का सामना करता है। उसकी मृत्यु को गुप्त रखते हुए वो जेनसन को नया फ्रैंकेनस्टीन बनने के लिए मजबूर करती है। 5 जीत के बाद स्वतंत्रता के वादे के साथ जेनसन को अपनी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए केवल एक और जीत की आवश्यकता है, जिसे सम्मानित आइकन का कवच विरासत में मिला है। जेनसन की हिचकिचाहट हेनेसी की एकांत कारावास की धमकियों से शांत हो जाती है, जिससे वो इसका पालन करने के लिए मजबूर हो जाता है। जेल की ऑटो की दुकान में डूबा हुआ वो कोच और उसकी टीम फ्रैंकेनस्टीन की कार के पीछे के दिमाग से मिलता है। वे उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं, जो उन्हें यांत्रिकी और गाड़ी चलाने की जटिल दुनिया में ले जाते हैं। जेल के जटिल जाल के भीतर प्रत्येक रेसिंग टीम एक अलग गड्ढे में रहती है। अराजकता के बीच एकता केवल एक भ्रम है। हेनेसी की गुप्त कार्यशाला साजिश के साथ प्रतिध्वनित होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य छिपा रहता है। शक्ति दृढ़ता से उसमें निहित है, जो टर्मिनल द्वीप जेल को उसकी दृढ़ पकड़ में डालती है। फ्रैंकेनस्टीन के रूप में जेनसन की नई भूमिका केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जानी जाती है। टीम और मुट्ठी भर गार्ड गोपनीयता के रास्ते पर चलते हैं। कोच द्वारा निर्देशित जेनसन का सामना दौड़ के अपने रथ एक संशोधित मस्टैंग V8 फास्टबैक से होता है। इस वाहन चमत्कार में रक्षात्मक और आक्रामक उपकरणों का एक शस्त्रागार है। हालांकि भागने के प्रयासों को विफल करने के लिए गोला बारूद को दौड़ के दिन तक रोक दिया जाता है। जेल का द्वीप स्थान अपरिहार्य वास्तविकता को मजबूत करता है। इसका एकमात्र पहुंच बिंदु संभावित उल्लंघनों के खिलाफ भारी रूप से दृढ़ है।
कार के साथ प्रारंभिक मुलाकात के बाद जेनसेन और उनकी टीम जेल के प्रांगण में मिलती है। दौड़ तीन चरणों में होती है, जिसमें पहले दो में प्रतियोगियों के रणनीतिक उन्मूलन और अंतिम खंड में तेज गति की मांग होती है। नाविक, मुख्य रूप से महिलाओं की सुविधा से महिलाएं, प्रत्येक चालक के साथ जाती हैं, एक आदर्श जो अपनी क्रूर प्रतिष्ठा के कारण पुरुष साथियों के साथ उनकी जगह लेता है। ड्राइवरों की इस सभा के बीच लिस्ट जेनसेन को दुर्जेय दावेदारों से परिचित कराती है। 14 के साधन संपन्न तिकड़ी सदस्य हेक्टर ग्रिम, हेनेसी के कट्टर भक्त स्लोवो पैचेको, आर्यन ब्रदरहुड नेता और ट्रेविस कोल्ड, गिरते हुए नास्का लुमेनरी। तनाव तब बढ़ जाता है जब जो के उकसावे चरम पर पहुंच जाते हैं, जिससे उसके और जेनसेन के बीच एक भयंकर प्रतिद्वंद्विता भड़क उठती है। हालांकि यार्ड में एक रहस्योद्घाटन जेनसेन के मानस के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। लौटने वाले कैदियों के पास GPS ट्रैकिंग कंगन होते हैं। उनकी कलाई को एक उपकरण से बांध दिया जाता है जो उन्हें उसकी पत्नी के हत्यारे से जोड़ता है। अपराधी द्वारा पहनी गई उसी तकनीक की भयावह उपस्थिति उसे झकझोर देती है, जिससे जेल के अंधेरे पेट के शोरगुल के बीच रहस्य का एक धागा खुल जाता है। जैसे जैसे पहले रेस स्टेज का लंबे समय से प्रतीक्षित दिन शुरू होता है, जेनसेन फ्रैंकस्टीन की विरासत में डूबा हुआ है। आइकन की पोशाक, मुखौटा और यहाँ तक की अपनी अंगूठी भी पहने हुए है। फ्रैंक के रहस्य का पुनरुत्थान शो की घटती दर्शकों की संख्या को पुनर्जीवित करता है, जिससे वे उत्साह के क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। कोच की सलाह फ्रैंकस्टीन की गूढ़ प्रकृति को प्रतिध्वनित करती है। मौन महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रैंक ने कभी भी अन्य ड्राइवरों के साथ बातचीत नहीं की। अपवाद कार के भीतर मौजूद है, जहां प्रतिबिंबित खिड़कियां और केस का विवेकाधिकार गुप्त रखता है। तैयारियों के बीच जेनसेन अपनी कहानी को उजागर करने की कोशिश में बातचीत में केस को शामिल करती है। वह अपने अपराध का खुलासा करती है, एक भ्रष्ट पुलिस वाले की हत्या जो एक अपमानजनक पति था। दौड़ शुरू होने के साथ शुरुआती दौर अपेक्षाकृत शांत रहते हैं, हिंसा दूसरे दौर में हथियारों के सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही है। फिर भी चालक विरोधियों को पटरी से हटाने के लिए पैंतरेबाजी करते हैं। जेनसेन इलाके के बारे में केस के अंतरंग ज्ञान से निर्देशित एक रणनीतिक शॉर्टकट की बदौलत जो को पीछे छोड़ते हुए बढ़त के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हेनेसी के बुरे इरादे सामने आते हैं, क्योंकि वह कार के हथियारों को सक्रिय करती है, जमीन पर मैनहोल गैजेट्स को ट्रिगर करते हैं। ट्रैक एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है, मौत के सिर तबाही मचाते हैं। ग्रिम के क्रूर कार्यों से एक नाबालिग चालक की जान चली जाती है, जबकि जो का वाहन तेल के हमले के बाद रास्ते से फिसल जाता है। 14 के से एक मिसाइल जो के भाग्य को सील कर देती है, जिससे वह हार जाता है। इस बीच जेनसेन अपनी कार के मुद्दों से जूझता है। हथियारों को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के बावजूद गड़बड़ियों से सिस्टम प्रभावित होता है, पीछे की ढाल मुश्किल से पकड़ती है। अपने पैरों पर सोचकर वह एक साहसी योजना बनाता है। केस नैपल्म को खोलता है और जेनसेन से जुड़ जाता है। उसकी सीट कोल्ट की कार को प्रज्वलित करने के लिए एक प्रक्षेप्य के रूप में काम करती है। नैपल्म वाहन को घेर लेता है, केस आग को प्रज्वलित करता है, कोल्ट को दौड़ से हटा देता है। जैसे ही कोल्ट के जाने के बाद दौड़ जारी रहती है, जेनसेन जो के साथ एक और तीव्र प्रतिस्पर्धा में पड़ जाता है। हालांकि पैचेको का परेशान करने वाला हाथ का इशारा, जैसा कि उसकी पत्नी के हत्यारे द्वारा किया गया था, जेनसेन का ध्यान तोड़ देता है, जो मौका छीन लेता है और जेनसेन की कार को पीछे धकेल देता है, जिससे वो अंतिम स्थान पर आ जाता है। पैचेको मंच जीत जाता है, जिससे तीन ड्राइवर हार जाते हैं और 6 अगले दौर के लिए शेष रहते हैं। दौड़ के बाद कोच और उनकी टीम जेनसेन की कार की जाँच करती है और गैजेट को ठीक से काम करते हुए पाती है। दौड़ के दौरान खराबी से भ्रमित होकर जेनसेन ने हेनेसी का सामना किया और उस पर उसे फंसाने और फ्रैंकस्टीन की जगह लेने के लिए स्थिति की योजना बनाने का आरोप लगाया। हेनेसी पुष्टि या इनकार नहीं करती है, लेकिन वह जेनसेन को पालक देखभाल में अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाती है, ये संकेत देते हुए कि सहयोग उन्हें एक साथ वापस ला सकता है। परिस्थितियों से परेशान होकर जेनसेन अनिच्छा से आंगन में वापस चला जाता है। कोच के साथ एक ईमानदार बातचीत में जेनसेन को फ्रैंकस्टीन की टीम का मार्गदर्शन करने वाले रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पता चलता है। कोच बताता है कि वह पैरोल के लिए योग्य है, लेकिन वह जेल के बाहर बदली हुई दुनिया की तुलना में दौड़ की परिचित दुनिया को पसंद करता है। जैसे जैसे वे विश्वास बढ़ाते हैं, कोच अपनी पत्नी की मौत के लिए जेनसेन के जिम्मेदार होने पर संदेह व्यक्त करता है। जैसे ही गोधूली उतरती है, पैचेको के साथ एक मुठभेड़ जेनसेन के संदेह को जगाती है। अपने गड्ढे में पैचेको का पीछा करते हुए जेनसेन एक जाल में फंस जाता है और एक क्रूर हमले का सामना करता है। एक भयावह क्षण में लिस्ट हस्तक्षेप करती है और पैचेको को एक कलम से चाकू मार देती है।
जेनसन मौका हथिया लेता है, खुद को धातु के एक टुकड़े से लैस करता है और अपने अपहरणकर्ताओं पर हावी हो जाता है। पैचेंको से लड़ते हुए जेनसन उससे सच्चाई छीन लेता है। हेनेसी ने पैचेंको को अपनी पत्नी की हत्या के लिए मजबूर किया, जबकि उलरिच वह था जो उसे जेनसन के घर ले गया। जेनसन प्रतिशोध की तलहटी पर खड़ा है क्योंकि वह पैचेंको के जीवन को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उलरिच और एक अन्य गार्ड हस्तक्षेप करते हैं, जिससे टकराव बाधित हो जाता है। जैसे ही दौड़ का दूसरा चरण नजदीक आता है, पैचेंको उसी हाथ के इशारे से जेनसन को भड़काने का प्रयास करता है। जेनसन रणनीतिक रूप से धीमा हो जाता है और केस के साथ निजी तौर पर बातचीत करने के लिए एक सुरंग में प्रवेश करता है। गड़बड़ी का संदेह करते हुए जेनसन फ्रैंक की मौत के बारे में उसका सामना करता है, जिससे उसकी संभावित संलिप्तता का संकेत मिलता है। कार से निष्कासन के डर से केस से पता चलता है कि उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए फ्रैंक के पिछले हथियारों में तोड़फोड़ की, जिससे अनजाने में उसकी मृत्यु हो गई। हेनेसी का उद्देश्य उन्हें जेल में रखना और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए दौड़ लगाना था। सच्चाई से लैस जेनसन पैचेंको को हराने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दौड़ में वापस तेजी लाता है, जो कि आगे बढ़ने से बचते हुए जेनसन पैचेंको को निशाना बनाता है, जिससे एक उच्च दांव प्रदर्शन होता है। एक रणनीतिक पैंतरेबाजी सभी को चौकस कर देती है, क्योंकि जेनसन कार को इधर उधर घुमाता है और रिवर्स में गाड़ी चलाते समय गोलाबारी करता है। पैचेंको की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, एक बैरियर से टकरा गई। जेनसन बाहर निकलता है और उसकी गर्दन तोड़कर अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने की मांग करते हुए पैचेंको का सामना करता है। अराजकता के बीच और दौड़ के दौरान नाविकों को बदलने वाले जो के साथ हेनेसी एक खतरनाक हथियार लाता है, ड्रेडनॉट, कई हथियारों के साथ एक शक्तिशाली ट्रक। ड्रेडनॉट इमारतों पर भी चढ़ सकता है और दो छोटे प्रतियोगियों को नष्ट कर सकता है। केवल जेनसन और जो के साथ विशाल ट्रक के खिलाफ चीजें गंभीर लगती हैं। जेनसन को तात्कालिकता का एहसास होता है और वह एक साहसिक योजना के साथ आता है। लिस्ट की मदद से वह जो के साथ संवाद करता है और सुझाव देता है कि वे अस्थायी रूप से एक साथ काम करें। वे लगातार हमलों से बचते हुए दोनों तरफ से ड्रेडनॉट पर हमला करते हुए एकजुट हो जाते हैं। वे चतुराई से एक ट्रैप मैनहोल का उपयोग करते हैं, जिससे ड्रेडनॉट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उन्हें एक संक्षिप्त विराम मिलता है। जैसे ही दौड़ का दूसरा चरण समाप्त होता है, अंतिम चरण के लिए केवल जेनसन और जो प्रतियोगी के रूप में बचे रहते हैं। बाद में जो ने सूक्ष्मता से देखा कि जेनसन की आवाज फ्रैंक की आवाज की तरह लगती है, लेकिन वो अधिक नहीं पूछता। छाया में उलरिच और हेनेसी जेनसन के खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी कार के नीचे एक बम लगाते हैं। वे अपने जीवन में रेसिंग के महत्व के बारे में एक भाषण के साथ सभी का ध्यान भटकाते हैं। जेनसन को एहसास होने लगता है कि दौड़ में व्यवस्थित रूप से हेरफेर किया जाता है, जो प्रतियोगी पांचवीं बार जीत सकते हैं उन्हें ऐसा होने से रोकने के लिए हटा दिया जाता है। कोच जेनसन को ग्रिम की मृत्यु के बारे में एक महत्वपूर्ण विवरण के बारे में बताता है, जिससे एक साहसी योजना तैयार होती है। जेनसन जो को साझेदारी का प्रस्ताव देने से पहले लिस्ट से अपनी कार में एक आरक्षित ईंधन टैंक जोड़ने का अनुरोध करता है। जैसे ही जेनसन फ्रैंक की पोशाक में तैयारी करता है, हेनेसी उससे मिलने जाता है, एक विकल्प की पेशकश करता है। अगर वह जीतता है तो वह चाहती है कि वह फ्रैंकस्टीन के रूप में जेल में रहे, ये दावा करते हुए कि वह वास्तव में कहां का है, और अपनी बेटी की देखभाल करने में उसकी कथित असमर्थता का हवाला देते हुए। जेनसन ने उसे कोई निश्चित प्रतिक्रिया दिए बिना दौड़ को स्वीकार कर लिया, अपनी जेब में रिलीज के कागजात छिपाए। दौड़ की शुरुआत में उलरिच जो को लाभ प्रदान करते हुए जेनसन को रोकने के लिए मैनहोल में हेरफेर करता है। सटीक समय के साथ उलरिच जेनसन पर गोली चलाता है, जिससे उसकी पिछली ढाल क्षतिग्रस्त हो जाती है। जेनसन ढाल को फेंकने का फैसला करता है, फिर भी जो फ्रैंक की रणनीति से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके कुशलता से इससे बच जाता है। हाई स्टेक प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि जेनसन न केवल जो को बल्कि उसकी जीत को विफल करने की कोशिश करने वाली धांधली वाली प्रणाली को भी पछाड़ने के लिए एक चालाक योजना तैयार करता है। जैसे ही हेनेसी एक मैनहोल खोलकर एक रक्षात्मक कदम उठाता है, जेनसन को लुभाता है, जो एक रॉकेट दागकर और उसे उड़ाकर जवाब देता है, कई रॉकेटों के साथ, जो उन्हें जेनसन के पास भेजता है। जेनसन कुशलता से उनसे बचता है और उन्हें एक दीवार के एक कमजोर हिस्से से टकराने के लिए मार्गदर्शन करता है, वही दीवार जहां ग्रिम की मृत्यु हो गई थी। जेनसन और जो ने दीवार की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए सावधानीपूर्वक इसकी योजना बनाई। उनकी योजना काम करती है, क्योंकि रॉकेट दीवार को तोड़ते हैं, जिससे जेल से भागने का रास्ता बन जाता है। हेनेसी को गुस्सा आता है और वह प्रसारण बंद कर देता है।
वो पुलिस को तैयार करती है और एक बम विस्फोट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो विस्फोट नहीं करती है। कोच और उनकी टीम ने पहले ही बम को निष्क्रिय कर दिया था, इसलिए जो और जेनसन सुरक्षित थे। वे एक पुल की ओर तेजी से जाते हैं और पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। जेनसन एक टैंक से अधिक ईंधन छोड़कर अपनी योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग करता है। यह एक विस्फोट का कारण बनता है जो एक ज्वलंत अवरोध बनाता है जो पुलिस को उनका पीछा करने से रोकता है। वे दोनों पुल पर अलग अलग रास्ते लेते हुए तेजी से गाड़ी चलाते हैं। हेलीकॉप्टर जेनसन पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि वो अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो दूर हो जाता है, और केस जो फ्रैंक को एक अनुग्रह देता है योजना के अंतिम भाग में मदद करता है। जेनसन को निर्माणाधीन क्रेन के तहत शरण मिलती है जबकि केस फ्रैंक की तरह कपड़े पहने गाड़ी चलाता है। हेलीकॉप्टरों ने उसे गोलियों से घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। फ्रैंक के भेष में उसे पकड़ लिया जाता है और वापस जेल ले जाया जाता है, अनजाने में जेनसन को भागने में मदद करता है। जो और जेनसन फिर से मिलते हैं और मालगाड़ी में चढ़ जाते हैं। वापस जेल में उलरिच उच्च रेटिंग और पुरस्कारों को लेकर उत्साहित है। हेनेसी एक उपहार बॉक्स खोलता है जो उलरिच द्वारा छिपाए गए बम को ट्रिगर करता है और वे दोनों मर जाते हैं। कोच एक डेटोनेटर के साथ रेस्ट्रैक पर इसे होते हुए देखता है। 6 महीने बाद सांता रोसेलिया मेक्सिको में जो और जेनसन ने यांत्रिकी के रूप में नया जीवन शुरू किया। जेनसन अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ जाता है और केस नौकरशाही से निपटने के बाद एक रेसिंग कार के साथ जाता है जो उनके मजबूत बंधन और साझा यात्रा का प्रतीक है। कहानी का अंत उनके साथ अपनी स्वतंत्रता और एक साथ जीवन की प्रतीक्षा के साथ होता है।